गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट में हमने थियरी ऑफ मशीन्स का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देखा, राइट? सो अब आपको सब्जेक्ट के बारे में तो पता है, बट सब्जेक्ट का मीनिंग हमने डिस्कस नहीं किया था तब कि व्हाट डू यू मीन बाय थियरी ऑफ मशीन्स। सो थियरी का मीनिंग हमें पता है, मशीन का मीनिंग क्या है? यू नो मशीन्स का मीनिंग हमें मूवीज की तरह डेफिनेशन नहीं होती कि भाई अप डाउन दैट इज नॉट द मशीन। एक्चुअली हमें मशीन के बारे में अगर बात करें, मशीन क्या है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द मशीन। लेट अस अंडरस्टैंड दैट टर्म्स फर्स्ट। अगर हमें मशीन समझना है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लिंक और अ एलिमेंट। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से। वी आर जस्ट कंपेयरिंग इट विद द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, माइक्रो लेवल पे सेल्स होते हैं, राइट? तो वो लिंक की तरह काम कर रहे हैं। नाउ वो सेल्स जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं। सिमिलरली लिंक एलिमेंट जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जिससे कनेक्ट होते हैं, दैट इज अ पेयर और जॉइंट। एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, सेल्स कनेक्ट होने के लिए टिश्यूज फॉर्म करते हैं। नाउ टिश्यूज से क्या फॉर्म होता है, ऑर्गन फॉर्म होता है, राइट? उसी तरह ये लिंक एंड पेयर्स ज्वाइन होके हमारी चेन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होता है, चेन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हम मिला दे तो क्या डेवलप होगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा। सो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे चेन से क्या फॉर्म होता है, मैकेनिज्म फॉर्म होता है, मैकेनिज्म। एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स, आपके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे किडनी है, लीवर है, राइट? ऐसे सारे ऑर्गन सिस्टम बन के क्या होता है, ह्यूमन फॉर्म होते हैं हम। उसी तरह मैकेनिज्म्स फॉर्म होके क्या बनता है, फाइनली मशीन बनता है। सो हम इजीली इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लिंक एलिमेंट से लेके मशीन तक की कैसे फॉर्म होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एक चीज को डीप में समझने वाले हैं, ओके? एक एक चीज को हम डीप में समझने वाले हैं। सो ये चीज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सिंपल मैकेनिज्म्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, सिंपल मैकेनिज्म्स। जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट दो चैप्टर में से 3 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं ऑन एन एवरेज, ओके? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, बेसिक्स जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको आगे ये चैप्टर भी बहुत काम आने वाला है लाइफ में, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ओके? सारी बेसिक चीजें देखने वाले हैं। सो ये चैप्टर तो काफी यूजफुल होने वाला है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लिंक जो हमने बात की। फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, लिंक और अ एलिमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द लिंक, किसको हम लिंक किसको बोलते हैं, लिंक और एलिमेंट किसको बोल सकते हैं हम? या सो लिंक एलिमेंट किसको बोलेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मशीन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मशीन हम बोल सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मशीन। इट कैन बी, लिंक क्या हो सकती है, रिजिड हो सकती है और रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंट वर्ड नया है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस मींस जहां पे नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो। क्या हो, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो। क्यों नेग्लिजिबल, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली हम सोचे कि वही लिंक हो तो वो रिजिड हो सकती है क्या? कोई भी एलिमेंट हमारे आसपास कितनी भी चीज है उसमें भी कोई कोई भी चीज क्या
रिजिड हो सकती है ऑलवेज, नहीं वो कोई लोड पे आके तो डिफॉर्म करेगी ही करेगी, एनी एनी बॉडी एनी एलिमेंट, राइट? तो प्रैक्टिकली रिजिड होना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी मतलब क्या कि भाई जिसका डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल हो, जिससे हमारी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उतने डिफॉर्मेशन से, दैट इज अ रेजिस्टेंट बॉडी। सो प्रैक्टिकली वी आर कंसिडरिंग द रेजिस्टेंट बॉडी जिससे हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ, लिंक किसको बोलेंगे? इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट, एबल टू ट्रांसफर रिलेटिव मोशन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर रिलेटिव मोशन। हम रिलेटिव मोशन वर्ड काफी देखने वाले हैं थियोरी ऑफ मशीन में। टू फॉर्म अ मशीन और एनी मैकेनिज्म, रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट होना जरूरी है। तो हम किसी चीज को लिंक तभी बोलेंगे जब ये वो एबल होगा टू ट्रांसमिट एनी रिलेटिव मोशन, और इट शुड बी रिजिड और अ रेजिस्टेंट। प्रैक्टिकली इट शुड बी रेजिस्टेंट बॉडी, ओके? थियोरिटिकली वी कैन से कि भाई रिजिड हो सकती है, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। तो ये चीज तो होनी चाहिए। सो नाउ व्हाट टू माई मीन बाई कि इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर अ रिलेटिव मोशन, लेट अस जस्ट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ द पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। दिस इज अवर सिलेंडर, राइट? इसके अंदर कोई पिस्टन है विच इज मूविंग, राइट? ये हमारा सिलेंडर है। तो सिलेंडर को हम फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं, फिक्स पर। तो यहाँ पे दो बॉडी है हमारी, फर्स्ट इज अ फ्रेम एंड सेकेंड इज अ सिलेंडर। ये दोनों रिजिडली कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब क्या है, हमने सिलेंडर को फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इन दोनों के बीच बिटवीन वन एंड टू रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इट इज अ रिजिडली कनेक्टेड। सो जब ऐसी चीज हो कभी भी, तो उसको हम एज अ सिंगल लिंक कंसिडर करेंगे, ना कि दो। मतलब मेरा सिलेंडर एंड फिक्स फ्रेम आर कंसिडर एज अ सिंगल लिंक, इट इज कंसिडर एज अ सिंगल लिंक। या अंडरस्टूड? तो ये चीज होनी चाहिए, अगर रिलेटिव मोशन ट्रांसफर हो रही है देन एंड देन इट कैन बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक। अदरवाइज कोई भी वेल्डेड पोर्शन होंगे, दो लिंक को मैं रिजिडली वेल्ड कर दू या नट बोल्ट से फास्टन कर देते हैं हम दो लिंक को, तो वो दोनों के बीच में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट नहीं हो रही है देन इट शुड बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक। नो, लाइक दिस, अगर यहाँ पे ये तीन लिंक है बट यहाँ पे मैंने वेल्ड करके रिजिडली कनेक्ट कर दिया, ओके? एक्चुअली तीन लिंक है बट अगर मैंने यहाँ पे रिजिडली कनेक्ट कर लिया दोनों जगह पे, सो दिस एंटायर थिंग विल बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक, क्योंकि कोई भी रिलेटिव मोशन मेरी ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अगर रिलेटिव मोशन अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही है दैट शुड बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग, लिंक हमने समझ लिया, नाउ लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द पैर। लिंक के बाद क्या था? काइनेमेटिक पैर। तो पैर किसको बोलते हैं? पता है किसी को? पैर और जॉइंट, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने सेल्स एंड टिश्यू का देखा उसी तरह, इट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द लिंक्स। ये क्या है? इंटरकनेक्शन बिटवीन द लिंक्स, इट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन लिंक्स। बट कैसे इंटरकनेक्शन कैसे होना चाहिए रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट हो सके? उस तरह से इंटरकनेक्शन सच दैट रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल, होना चाहिए। रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है तो मतलब ये रिजिडली कनेक्टेड, मतलब एंटायर थिंग विल बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक।
तो पैर और जॉइंट का काम क्या है, वो दो लिंक को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है कि भाई उसकी रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट हो सके, वैसे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, उस तरह से कनेक्ट करता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैर। सो हमने पैर की डेफिनेशन देखी। सो देयर इज अ सच अ लॉन्ग क्लासिफिकेशन फॉर अ पैर। हम काइनेमेटिक पैर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, पैर को हम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, लेट मी शो यू द इमेजेस। या सो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे क्लासिफाई होता है। फर्स्ट फर्स्ट इज अ रिवोल्यूट जॉइंट। रिवोल्यूट जॉइंट मतलब क्या, एक लिंक दूसरी लिंक के कंपेयर में रोटेट कर रही है। हिंज जॉइंट, अगर इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल हमें देखना हो तो हमारे डोर में जो हिंज होते हैं वो, दैट इज अ रिवोल्यूट जॉइंट, जो रिलेटिव मोशन करने देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, आपका डोर रोटेट कर पा रहा है, दैट इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ रोटेशन, वो रिवॉल्यूट जॉइंट से पॉसिबल होता है, जैसे यहाँ पे दिखा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1, क्योंकि एक मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी हम देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई रिलेटिव मोशंस कितनी ट्रांसमिट हो रही है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 हो रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। नाउ द स्फेरिकल जॉइंट, सेकेंड इज अ स्फेरिकल जॉइंट का एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे जो साइड मिरर होते हैं एनी व्हीकल, कार, बाइक, एनीथिंग, वहां पे जो जॉइंट होता है जिससे हम मिरर को घुमा सकते हैं, दैट इज अ स्फेरिकल जॉइंट। जॉयस्टिक में जो आता है गेमिंग के लिए, दैट इज अ स्फेरिकल जॉइंट। तो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे दिखा है ना, तीनों डायरेक्शन में रोटेशन इज पॉसिबल। स्फेरिकल जॉइंट में क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल होता है, मतलब यहाँ पे तीन रोटेशन पॉसिबल है, मतलब मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। नाउ नेक्स्ट थिंग द प्रिज्मेटिक पैर। प्रिज्मेटिक पैर, सो इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर एंड पिस्टन, जहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन हो रही हो, ओनली ट्रांसलेशन, दैट इज अ प्रिज्मेटिक पैर। ट्रांसलेशन मोशन हो रही है तो सिलेंडर एंड पिस्टन है, वहां पे क्या होता है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन होता है, पिस्टन इन एंड आउट करता है सिलेंडर के अंदर। ओके, सो दैट इज अ प्रिज्मेटिक पैर। नाउ सिलेंड्रिकल पैर, यहाँ पे ये इट इज अ कॉम्बो ऑफ रिवॉल्यूट पैर एंड द प्रिज्मेटिक पैर, मतलब यहाँ पे रोटेशन भी पॉसिबल है एंड ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज कंसिडर एज अ सिलेंड्रिकल पैर। इसका एग्जाम्पल अगर देखना है, हमने देखा कि प्रिज्मेटिक पैर मतलब क्या, ये मेरा सिलेंडर है जिसको मैंने फिक्स किया है फ्रेम के साथ और उसके अंदर कोई पिस्टन है, ओके, विच इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे क्रैंक है और ये रो इन आउट कर रहा है। बट वॉट इफ, वॉट इफ इन द सेम मैकेनिज्म, मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेंडर यहाँ पे फिक्स है, पिस्टन को मैं फ्री रख रहा हूँ, उसको कहीं पे कनेक्ट नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड नहीं है, जस्ट फ्री पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट कैन ट्रांसलेट ट्रांसलेट ऑल्सो, इट कैन रोटेट ऑल्सो, बिकॉज ये वाली लिंक कहीं पे कनेक्टेड नहीं है मेरी। ओके, यहाँ पे ये कनेक्टेड थी तो पिस्टन रोटेट नहीं कर पाता, यहाँ पे रोटेशन वॉज नॉट पॉसिबल फॉर पिस्टन। ओके, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं था, बट जब मैंने उसको रिमूव कर दिया, फ्री कर दिया, तो यहाँ पे रोटेशन भी पॉसिबल है एंड ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंड्रिकल पैर। ओके, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंड्रिकल पैर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्लानर पैर। प्लानर पैर मतलब क्या, इफ आई एम टेकिंग एनीथिंग, ये डस्टर है, उसको मैंने है मेरे पाम पे रख दिया। ओके, सो ये यहाँ पे क्या कर पाएगा, एक्स डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर पा रहा है और जेड डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहा है। ओके, दैट इज अ प्लानर पैर। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब कांटेक्ट में है,
तो क्या क्या पॉसिबल है, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन एंड जेड डायरेक्शन में रोटेशन, तीन चीज पॉसिबल है, वो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। सो दैट इज अ प्लानर पेयर। आप फिगर में ये चीज देख सकते हो, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। नाउ द लास्ट वन इज अ स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर मतलब क्या, जो हम नट लगाते हैं कोई भी स्क्रू में, तो वो जो दोनों के बीच में कनेक्शन है दैट इज क्लासिफाइड एज अ स्क्रू पेयर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, कोई मुझे बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या सोच रहे हो आप लोग? 2 आएगी? गलत, 2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? या यू आर करेक्ट कि भाई यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एंड ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ओके दैट इज करेक्ट, बट रोटेशन जो मेरा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से, या वाइस वर्सा, ट्रांसलेशन हो रहा है उसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, ओके कोई भी एक इंडिपेंडेंट मोमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी एक इंडिपेंडेंट मोमेंट नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा, मेरा रोटेशन होगा उसकी वजह से ट्रांसलेशन हो रहा है, और ट्रांसलेशन होगा उसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, दैट इज फिक्स। सो कोई भी एक इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी मेरी, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1, अंडरस्टूड, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। नाउ इफ वी सी द सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। आपका कॉन्टेक्ट किस टाइप का है उसके ऊपर से ये क्लासिफिकेशन है। लेट अस सी दैट। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। सो उसके ऊपर से इट इज क्लासिफाइड इन टू थिंग्स। फर्स्ट इज अ लोअर पेयर एंड सेकेंड इज अ हायर पेयर। लोअर पैर एंड हायर पैर। सो लोअर पैर में कौन सा कांटेक्ट होता है? लोअर पैर में एरिया कांटेक्ट आता है आपका। यहाँ पे क्या आएगा? एरिया कांटेक्ट। सो लेट अस जस्ट टेक द एग्जांपल। हमने अभी प्लानर पैर देखा, वहां पे हमने क्या किया था, एक डस्टर मैंने लिया, उसको मैंने अपने पाम पे रख दिया, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है ये पूरा पोर्शन कांटेक्ट में है, मतलब पूरा एक एरिया कांटेक्ट में है दो लिंक के बीच में। पाम मेरा फर्स्ट लिंक है, ये मेरी सेकेंड लिंक है, इन दोनों को मैं पैर दे रहा हूँ, प्लानर पैर दिया, तो जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या आ रहा है, मेरा एरिया आ रहा है, पूरा एरिया इज इन कॉन्टेक्ट, तो मतलब क्या हो गया, इट इज अ एरिया कॉन्टेक्ट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लोअर पैर बोल सकता हूँ, तो मतलब एरिया कॉन्टेक्ट है, सो दैट इज क्लासिफाइड एज अ लोअर पैर। द सेकेंड इज अ हायर पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट। तो मतलब क्या, ये मेरी पेन है, उसको अगर मैं इस तरह से रख रहा हूं, अगेन पाम इज माई फर्स्ट लिंक, पेन इज माई सेकेंड लिंक, इस तरह से रख रहा हूं, तो मतलब क्या है, ओनली पॉइंट इज इन कॉन्टेक्ट, तो मतलब दैट इज अ पॉइंट कॉन्टेक्ट। अदरवाइज मैं पेन को कोई सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट हो, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रखूं, तो कौन सी, पूरी एक लाइन कॉन्टेक्ट में होगी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यस, सो दैट इज नोन एज अ हायर पेयर, पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट। सो नाउ जस्ट लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द लोअर पेयर एंड हायर पेयर। अगर अब मैं बात करूं एरिया कॉन्टेक्ट है तो उससे क्या होगा, अगर मेरा एरिया कॉन्टेक्ट हो रहा है तो उससे क्या होगा, देर विल बी मोर फ्रिक्शन। अगर एरिया कॉन्टेक्ट है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, राइट। सिमिलरली इन अनदर केस, हायर पेयर में क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी लेस, करेक्ट, फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि पॉइंट है या लाइन कॉन्टेक्ट हो, मतलब फ्रिक्शन नहीं होने वाला। नाउ अगर फ्रिक्शन ज्यादा है और अगर मुझे उसको कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन। सो या तो अगर लुब्रिकेशन की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो किस में लुब्रिकेशन ज्यादा जाएगा, ऑफ कोर्स जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन किस में ज्यादा है, लोअर पैर में, तो मतलब यहाँ पे लुब्रिकेशन विल बी मोर, लुब्रिकेशन विल बी मोर,
और वही चीज हायर पैर में क्या होती है, लेसर होती है। ओके, नाउ अगर लुब्रिकेशन ज्यादा देना पड़ रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हम इन प्रैक्टिकल लोअर पैर ज्यादा यूज क्यों करते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं आपके पीएसयूज और आईआईटीज के जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि भाई लोअर पैर को हम प्रैक्टिकली ज्यादा यूज क्यों होती है, तो इट इज हैविंग अ मोर फ्रिक्शन एंड मोर लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। ये क्यों होता है किसी को पता है? क्योंकि यहाँ पे एरिया कॉन्टेक्ट है तो हमें क्या मिल रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है ड्यू टू एरिया कॉन्टेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर, राइट। और वही चीज यहाँ पे क्या है, लेसर, क्योंकि पॉइंट ड्यू टू पॉइंट एंड लाइन कॉन्टेक्ट वो चीज यहाँ पे कम है, तो उसी की वजह से लोअर पैर जो है हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है कंपेयर टू हायर पैर। ये आपको याद रखना है कि भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी। ओके, ये एक चीज है। नाउ अगर मैं और एक बात करूं तो अकॉर्डिंग टू हार्टेनबर्ग उसने एक और चीज दी थी कि भाई लोअर पैर कैन नॉट बी इन्वर्टेड। जो भी मेरी मैकेनिज्म है विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड दैट इज नोन एज अ लोअर पैर, कैन नॉट बी इन्वर्टेड, सॉरी कैन बी इन्वर्टेड, कैन बी इन्वर्टेड वो मेरी लोअर पैर है, एंड कैन नॉट बी इन्वर्टेड दैट इज कंसिडर एज अ हायर पैर अकॉर्डिंग टू हार्टेनबर्ग। अकॉर्डिंग टू हार्टेनबर्ग, ओके, सो ये उसने क्लासिफाई किया था। व्हाट इज अ इन्वर्टेड, कैसे इन्वर्जन होगा वो चीज हम बाद में देखेंगे। इट इज जस्ट ये लोअर पैर और हायर पैर की हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक और साइंटिस्ट है उसने जो दिया मैं आपको बता दी। ओके, व्हाट इज अ इन्वर्जन वो अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके, तो ये इंटरव्यू के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई मेरी बेल्ट एंड पुली मैकेनिज्म है, लेट मी ड्रॉ इट, ये एक पुली, ये सेकंड पुली, यहाँ पे बेल्ट से कनेक्टेड है, सो यहाँ पे कौन सी पैर आएगी, हायर पैर या लोअर पैर, क्या लगता है आप लोगों को कौन सी पैर आएगी यहाँ पे, हायर या लोअर पैर? लोअर पैर, रॉन्ग, लोअर पैर यहाँ पे नहीं आती है, इट इज कंसिडर एज अ हायर पैर। नाउ यू गाइज आर वंडरिंग कि क्यों, सो लेट अस सी दैट। यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, जहां पे कनेक्शन मतलब इनपुट या आउटपुट, मेरा बेल्ट जो है वो पुली के ऊपर जहां पे टच कर के बाहर निकल रहा है या जहां से अंदर जा रहा है, वहां पे अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे तो ओनली लाइन कॉन्टेक्ट विल बी देयर। तो जब हमारा प्योर रोलिंग होता है मतलब स्लिपेज नहीं हो रहा, स्लिप नहीं हो रही है, तो वो चीज हायर पैर कंसिडर होती है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इट इज कंसिडर एज अ हायर पैर। ओके, क्योंकि वहां पे हम लाइन कॉन्टेक्ट लेते हैं, बट अगर स्लिपेज हो रहा है ओके, तो वहां पे आएगी लोअर पैर, क्योंकि स्लिप हो रही है मतलब एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ लोअर पैर। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस वॉज अ वेरी टिपिकल थिंग। ये पीएसयू जो आपकी बार इसरो डीआरडीओ की एग्जाम्स होती है उसमें ये क्वेश्चन होते हैं, और अब अगर हम गेट की बात करें तो अब आपको एमएसक्यू पूछे जाते हैं ओके, वहां भी ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो कैसे, अभी हम जब पूरा क्लासिफिकेशन देख लेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर से, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई इसमें से एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली फॉर चेन एंड स्प्रॉकेट, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द हायर पैर जिसको स्पेशियल हायर पैर बोलते हैं, स्पेशियल
हायर पैर, और व्हाट यू कैन से इज अ रैपिंग पैर, ओके, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हायर पैर, उसको रैपिंग पैर भी बोलते हैं। कुछ कुछ बुक में आपको रैपिंग पैर लिखा हुआ मिलेगा, ओके, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हायर पैर ओनली। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर, तो उसमें फर्स्ट इज अ ओपन पेयर। व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन पेयर? अगर कोई लिंक सिंपली कैप्ट कर रहे हैं, अगेन द सेम एग्जाम्पल, मेरा डस्टर है, दैट इज माई सेकेंड लिंक, मेरा पाम है, दैट इज माई फर्स्ट लिंक। अगर मैं सिंपली कैप्ट कर रहा हूँ, ओके, और कुछ मोशन मैंने दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे जस्ट सिंपली कैप्ट किया है इसके ऊपर, सो दो लिंक, अगर एक लिंक अनदर लिंक पे सिंपली कैप्ट की गई है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन पैर। इस तरह का जो भी ज्वाइंट होगा, दैट इज क्लासिफाइड एज अ ओपन पैर, जहां पे लिंक क्या है मेरी, सिंपली कैप्ट ओवर द अनदर, लिंक इज सिंपली कैप्ट ओवर अनदर। ओके, दैट इज अ ओपन पैर। नाउ सेकेंड, सेकेंड क्या है हमारा, क्लोज्ड पैर। हमने ओपन पैर देखा, नाउ क्लोज्ड पैर। अगर किसी लिंक को मैं इंसर्ट कर रहा हूं दूसरी लिंक के अंदर, इफ इट इज इंसर्टेड, जैसे ये मेरा सिलिंड्रिकल पैर में जो हमने देखा, रिवॉल्यूट पैर, ओके, सिलिंड्रिकल पैर में क्या करते हैं, या सिलेंडर एंड पिस्टन, पिस्टन को हम सिलेंडर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड पैर। हम किसी चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, सो दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड पैर, लिंक इज इंसर्टेड, इंसर्टेड इनटू अनदर लिंक, ओके, लिंक इज इंसर्टेड इनटू अनदर लिंक, दैट इज अ क्लोज्ड पैर। नाउ द थर्ड वन, थर्ड क्या है मेरा, फॉर्म क्लोज्ड पैर, फॉर्म क्लोज्ड पैर। सो इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड पैर ओनली। यहां भी लिंक आपकी इंसर्ट होने वाली है, बट इफ इट इज ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या, हमने प्रिज्मेटिक पैर में देखा था, अगर मेरा ये क्यूब, कोई क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब, ओके, यहाँ पे होल जो है दैट इज अ स्क्वायर, और इसके अंदर जो भी शाफ्ट जाएगा वो स्क्वायर, स्क्वायर शाफ्ट ही जा पाएगा, ओके, ये सेम डायमेंशन का, तो मतलब ड्यू टू ज्योमेट्री यहाँ पे मैशिंग होने वाला है, ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कॉन्फिग्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म क्लोज्ड पे, ड्यू टू ज्योमेट्री जो होता है उसको, ज्योमेट्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म क्लोज्ड पे। सीधा एग्जाम्पल, अगर मेरा सर्कुलर बार भी है बट एंगल पे है, सी ट्विस्टेड है, इसका शेप आप देखो, यहाँ पे इनपुट जा रहा है, आउटपुट कहाँ से आ रहा है, तो अगर इस शेप का है तो सेम शेप की चीज अगर हम अंदर डालेंगे तो ही वो जाएगा, ओके, सो दैट इज नोन एज अ फॉर्म क्लोज्ड पे, ओके, ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन होना चाहिए, तो वो इट इज नोन एज अ फॉर्म क्लोज्ड पैर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें, लास्ट वन इज फोर्स्ड क्लोज पैर, फोर्स्ड क्लोज पैर,
फर्स्ट क्लोज पेयर में क्या आएगा कि भाई अगर आपका कनेक्शन ड्यू टू एनी फोर्स इट विच कैन बी एक्सटर्नल फोर्स और सेल्फ वेट आल्सो, ओके, ड्यू टू एनी फोर्स अगर आपका मैशिंग हो रहा है तो दैट इज नोन एज अ फोर्स्ड क्लोज पेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी कैप्ट की गई है बट विथ अ फोर्स, ओके, फोर्स लगा के अगर जब हम कनेक्ट करते हैं तो दैट इज अ नोन एज अ फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, ओके। सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपकी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम क्वेश्चन देखते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे देखो क्या बोला, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर फॉलोइंग इमेज हैव, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सी यहाँ पे पेयर है, लेट अस आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट अगर कैम एंड फॉलोअर कैसे कनेक्टेड है, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट, सो आएगी हायर पेयर, वो हमें पता चल गया, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे नहीं आएगा, वो छे हमने जो देखी ना बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो छे की छे हमारी लोअर पैर थी, छे की छे आप देखो सभी में एरिया कांटेक्ट था, वो छे की छे हमारी लोअर पैर है, तो यहाँ पे तो हायर पैर है, तो बेस्ड ऑन डीओएफ क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट इज अ सिंपली कैप्ट ओवर अनदर लिंक और नॉट, यस इट इज, सो ओपन पैर, इट इज अ सिंपली कैप्ट ओवर द अनदर लिंक, तो क्या आएगा, ओपन पैर। नाउ द थर्ड थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग है भी है, सो स्प्रिंग क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड हो रहा है टू टू मेक इट इन, मतलब इन दोनों को कांटेक्ट में रखने के लिए, सो देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स्ड क्लोज पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसी की वजह से कांटेक्ट रह रहा है, सो फोर्स क्लोज पेयर भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन आ गए आपके, फर्स्ट इज अ हायर पेयर, सेकेंड इज अ ओपन पेयर, थर्ड इज अ फोर्स क्लोज पेयर। नाउ कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि भाई बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर जो हमने क्लासिफिकेशन देखा लास्ट में उसमें से कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक साथ दो भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन आपको क्लासिफाइड डिफाइन करना है, यहाँ पे सिंपली कैप्ट किया गया है तो इसको हम ओपन पेयर भी बोल सकते हैं, ओके, फोर्स है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपली कैप्ट है कि नहीं वो है तो ओपन पैर बोलेंगे ना, अगर फोर्स है तो फोर्स क्लोज पैर हो गई, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक साथ दो भी आ सकते हैं, बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि भाई टाइप ऑफ क्लोजर है तो उसमें से कोई एक ही पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होता, और जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर से एमएसक्यू क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस इज अ प्योर एग्जाम्पल कि भाई आपको बोल सकते कि भाई इसमें से कौन सी काइनेमेटिक पेयर इस फॉलोइंग इमेज में हो रही है, तो वहां पे आपके तीन तीन ऑप्शन ये हो सकते हैं, ओपन पेयर का, हायर पेयर एंड फोर्स क्लोज पेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन कैन बी फॉर्म क्लोज या क्लोज्ड पेयर एनीथिंग, तो आपको तीन ऑप्शन जो करेक्ट है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर एक भी रह गया आपने ओपन पेयर सिलेक्ट नहीं किया और फोर्स क्लोज ही किया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन के ऊपर से आपका एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये क्लासिफिकेशन और उसके ऊपर से आपका एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसके हिसाब से आप प्रीफर कर सकते हो, राइट। लेट अस सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.7। नाउ मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेशियल मैकेनिज्म, मतलब स्पेशियल मतलब क्या, थ्री डायमेंशन में, सो वहां पे टोटल डीओएफ कितनी होती है, कितनी पॉसिबल है हमारे, छे, कैसे, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन एंड तीनों डायरेक्शन में रोटेशन, मतलब टोटल पॉसिबल डिग्री कितनी होती है, छे, बट हमारी यहाँ पे क्या बोला है, डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, तो डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, तो मतलब आपको टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही,
उसमें से अगर हमें बात करूं रिवॉल्यूट पैर, तो उसमें से हम सिर्फ कोई भी एक डायरेक्शन में ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं, बाकी की 5 DOF जो है आपकी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे उसी चीज का आंसर आपको मुझे देना है। रिवॉल्यूट पैर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जैसे मैंने बोला 1, क्योंकि ओनली वन ट्रांसलेशन सॉरी ओनली वन रोटेशन इज देयर इन रिवॉल्यूट पैर, राइट। तो बाकी की कितनी रिस्ट्रिक्ट हो रही है यहाँ पे, 5 विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो मतलब पी का आंसर क्या आएगा, P2। ओके नाउ सिलिंड्रिकल पैर, तो सिलिंड्रिकल पैर में क्या होता है, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन, सो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2। तो मेरी रिस्ट्रिक्ट कितनी हो रही है, 4, सो आंसर विल बी 4। तो Q3, क्यू में क्या आएगा, क्यू का आंसर 3। नाउ द थर्ड वन स्फेरिकल पैर, स्फेरिकल पैर में क्या था, तीनों डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल था, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 3 थी, तो रिस्ट्रिक्टेड मतलब डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगी, 3, 6 - 3, 3, सो आंसर क्या आएगा स्पेरिकल पेयर में, 3। तो वो कौन सा है यहाँ पे, 1, सो आर का आंसर विल बी 1। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। सो अब देखो कि गेट में इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके, टाइप ऑफ जॉइंट एंड डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो है, अब तो MSQ है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देके कर लेना चाहिए क्लासिफिकेशन, इसको नहीं छोड़ना है। ओके सो अवर फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंड मोशन भी बोल सकते हैं हम, बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंड मोशन। सो नाउ इसमें फर्स्ट है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मतलब क्या, कि भाई सभी बाजू से ये कंस्ट्रेंड है कंप्लीटली। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं तो ओनली 1 विल बी देयर, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में मोमेंट हो पा रही है। ओके दैट कैन बी अ ट्रांसलेशन, दैट कैन बी अ रोटेशन, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। नाउ सेकेंड इज इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन मतलब क्या, कि भाई एक से ज्यादा, उस कंप्लीटली कंस्ट्रेंशन का रिवर्स, कि भाई एक से ज्यादा डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन की बात करूं तो वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ रिवॉल्यूट जॉइंट। रिवॉल्यूट जॉइंट में क्या होता है, ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, 1 DOF है रिवॉल्यूट जॉइंट। बट वही चीज अगर मैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन में बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिलिंड्रिकल पैर, वहां पे रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टी डायरेक्शन में होगा, उसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल जॉइंट। ओके स्फेरिकल जॉइंट इज ऑल्सो दैट। सो जिसकी DOF ग्रेटर देन 1 है दैट विल बी कम अंडर द इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। एंड द लास्ट वन इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, कि अगर भाई मैं बात करूं कि इनकम्प्लीट मोशन है सिलिंड्रिकल जॉइंट की, हम बात करते हैं कि भाई ये एक शाफ्ट है, ये मेरा शाफ्ट है, राइट। नाउ वो कोई बैरिंग के अंदर है, दिस इज माय बैरिंग, सो राइट नाउ इट इज अ सिलिंड्रिकल जॉइंट, ये रोटेट भी कर पाएगा ऑब्वियसली एंड ट्रांसलेट भी कर पाएगा। ओके सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि यही शाफ्ट की कॉलर बना रहा हूं। ओके शाफ्ट विथ एन कॉलर, ये शाफ्ट का इनबिल्ट पार्ट है। ओके तो क्या ये अब ट्रांसलेट कर पाएगा, क्या ये अब ट्रांसलेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, ओनली रोटेशन विल बी देयर। सो शाफ्ट विथ एन कॉलर मतलब हमने क्या किया, कि भाई हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारी इनकम्प्लीट मोशन कन्वर्ट होती है सक्सेस कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में। सो
विद द हेल्प ऑफ फोर्स भी हो सकता है। फोर्स कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स, या इट कैन बी अ सेल्फ वेट आल्सो, एक्सटर्नल और अ सेल्फ वेट, ओके कोई भी हो सकता है। सो फोर्स या एनी हाउ हम कन्वर्ट करते हैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन को कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो उसका अदर एग्जांपल मैं दूं तो फुटस्ट्रैप बैरिंग का, फुटस्ट्रैप बैरिंग पता है क्या है, कि भाई उसमें वर्टिकली शाफ्ट होता है जो बैरिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये मेरी कंप्लीटली बैरिंग है और शाफ्ट वर्टिकली रेस्ट कर रहा है। नाउ ड्यू टू सेल्फ वेट, इसके सेल्फ वेट की वजह से ये कभी ट्रांसलेट नहीं करने वाला है अप डायरेक्शन में, ओके डाउन में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू इट सेल्फ वेट, अगर हम कोई फोर्स या उसको खींचते नहीं है, पुल नहीं कर रहे, तो क्या करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली रोटेशन। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। कैसे, कि भाई मेरी ड्यू टू सेल्फ वेट यहाँ पे मेरी इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, फुटस्ट्रैप बैरिंग। ओके सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन, कि भाई मेरी इन कंस्ट्रेंड मोशन क्या क्या है, कंप्लीट इनकम्प्लीट या सक्सेसफुली। इनकम्प्लीट को कंप्लीट में करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि भाई अब हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, पैर हमने देख ली, नेक्स्ट स्टेप क्या था, लिंक पैर, उसके बाद क्या है, चेन। तो लेट अस टॉक अबाउट द चेन। चेन कैसे फॉर्म होती है, कि भाई अगर हम लिंक और पैर को ज्वाइंट करके एक अरेंजमेंट करते हैं लाइक दिस, ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ लिंक, लिंक एंड पैर, ओके या तो हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ लिंक कनेक्टेड बाय अ पैर इज नोन एज चेन। इट कैन बी ओपन चेन ऑल्सो, ये हमारी ओपन चेन है, राइट। अब मैं क्या करूं, अगर यही चेन मेरी आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, सो ये क्या हो गई, मेरी क्लोज्ड चेन। सो दिस इज अ चेन। उसके बाद द नेक्स्ट क्या था हमारा, मिकेनिज्म, राइट। नेक्स्ट क्या था, मिकेनिज्म। तो अगर मैं चेन की कोई भी एक लिंक, चेन की कोई भी एक लिंक को फिक्स कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर कि भाई यहां पे मैंने ये लिंक को फिक्स कर दिया। सो जब चेन की एक लिंक फिक्स हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिकेनिज्म। वन लिंक शुड बी फिक्स्ड, ओके कोई भी एक लिंक हम कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, एनी वन लिंक। तो हम कोई भी एक लिंक को फिक्स करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मिकेनिज्म बोलते हैं, राइट। एंड द नाउ द फाइनल थिंग, मिकेनिज्म के क्या बात क्या था, मशीन। तो हमें ये जानना था कि भाई मशीन एंड मिकेनिज्म में डिफरेंस क्या है, राइट, ये चीज हमें स्टडी करनी थी। तो लेट अस टॉक अबाउट द मशीन। और इन सब में रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन शुड बी देयर, ओके ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी है। ये मैंने पहले भी बोला था कि भाई अगर कुछ भी हम कर रहे हैं लिंकेजेस में, रिलेटिव मोशन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन है कि भाई रिलेटिव मोशन एक लिंक से दूसरी लिंक में ट्रांसफर होनी चाहिए, सेम इन द मिकेनिज्म, ओके। नाउ मशीन की बात करें, ओके तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक जो मेरी मिकेनिज्म है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो ट्रांसमिट हो रही है, उसके अलावा अगर फोर्स और पावर, एनीथिंग ट्रांसफर हो, फोर्स और पावर, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ट्रांसफर हो रहा है ना, ये चीज मेरी हो रही है, देन दैट मिकेनिज्म विल नोन एज अ मशीन, ओके। तो मशीन होने के लिए कंडीशन क्या है, कि भाई रिलेटिव मोशन होनी चाहिए इन अ मिकेनिज्म, रिलेटिव मोशन तो होगी, तो हम एडिशनली क्या बोलेंगे, कि भाई फोर्स और अ पावर ट्रांसमिट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मैं इनपुट दे रहा हूं
इफ दिस इज माई इनपुट, यहां कहीं भी एनी लिंक आउटपुट मिलना चाहिए, फोर्स और पावर ट्रांसमिट होना चाहिए। मैं अगर एक लिंक को इनपुट दे रहा हूं कि भाई रोटेट हो, यहां पे मैं शाफ्ट से रोटेट कर रहा हूं, तो मेरी कोई दूसरी लिंक से आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, दैट इज अ नोन एज अ मशीन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स से लोड तक पावर ट्रांसमिट होता है। ओके, फ्रॉम सोर्स टू द लोड, सोर्स टू लोड क्या क्या ट्रांसमिट होना चाहिए, रिलेटिव मोशन तो होना ही चाहिए, या तो फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए या तो पावर ट्रांसमिट होना चाहिए। सो उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन। ओके, आर यू गाइस गेटिंग इट कि भाई मैकेनिज्म और मशीन में क्या डिफरेंस है।